नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करिश्मा कौशिक के नाम से। तो बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियोस। आज हम बात करेंगे कि दीपावली के पर्व पे स्वास्तिक का बहुत महत्व होता है, तो किस तरह से स्वास्तिक जो है आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आ सकता है और हर तरह की नकारात्मकता को काट सकता है। तो स्वास्तिक का महत्व क्या है, इस विषय पे बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। चाहे हम पूजा की थाली तैयार कर रहे हों, चाहे हम गृह प्रवेश कर रहे हों, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, स्वास्तिक का हम प्रयोग जरूर करते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाते हैं। अब दीपावली पर ऐसा क्या हो जाता है जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाना इतना जरूरी होता है? तो देखिए, स्वास्तिक एक तरह से देखा जाए तो शुभता का प्रतीक है। आपने देखा होगा हम दीपावली पर अपने मुख्य द्वार पर शुभ और लाभ लिखते हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दोनों ही ओर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। अब स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के लिए भी अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कुमकुम का स्वास्तिक बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं। तो इनका जो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो वो सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम कुमकुम से स्वास्तिक बना रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, वैसे कुमकुम जो है लाल रंग का होता है और अगर देखा जाए तो स्वास्तिक अगर लाल रंग का बनाया जाए तो ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मगर इसके साथ ही साथ हल्दी का अगर प्रयोग हम करते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बृहस्पति से जुड़े हुए कहीं ना कहीं जो परेशानियां आ रही हैं वो खत्म होती हैं, क्योंकि हल्दी जो है बृहस्पति का कारक माना जाता है। और हल्दी का जो कलर होता है दैट इज येलो, और ये जो कलर होता है एक तरह से प्रोस्पेरिटी का कारक माना जाता है और एक तरह से पॉजिटिविटी का भी कारक माना जाता है। तो अगर आप हल्दी के स्वास्तिक जो है अपने मुख्य द्वार पे बनाते हैं दीपावली पर, तो किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। और इसके साथ ही साथ आपके घर में अगर घर के सदस्यों को कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंधित दिक्कत परेशानियां आ रही हैं या धन से संबंधित या विवाह से संबंधित दिक्कत परेशानियां आ रही हैं तो वो भी समाप्त होती हैं। वहीं पे अगर कुमकुम के स्वास्थ्य की बात करें तो कुमकुम का स्वास्थ्य बनाना इसलिए लाभकारी माना जाता है क्योंकि एक तो कुमकुम होता है लाल रंग का, लाल रंग जो है शुभता का प्रतीक है, इसके साथ साथ प्रेम का प्रतीक है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो लाल रंग से कुमकुम बनाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके घर में धन संपत्ति सौभाग्यता प्रवेश करती है। अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि दोनों में से कौन सा स्वास्तिक बनाना चाहिए, तो देखिए आप स्वास्तिक जो है हल्दी और कुमकुम को मिलाकर भी बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि केवल हल्दी का ही स्वास्तिक बनाना है या केवल कुमकुम का स्वास्तिक ही बनाना है, हल्दी और कुमकुम को मिलाकर के भी स्वास्तिक बना सकते हैं। मगर इस चीज को आप ध्यान रख के चलिए कि जो स्वास्तिक का मिड पॉइंट होता है उसमें थोड़े से अक्षत यानी चावल ये जरूर लगाएं, क्योंकि अक्षत जो होते हैं, ये चावल जो होते हैं, कहीं ना कहीं ये एक तरह से माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक माने जाते हैं। आपके घर में किसी भी समय पे धन धान्य की कमी ना हो और माँ अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा बरसाती रहे, इसलिए अक्षत का प्रयोग जरूर करें और साथ ही साथ शुभ लाभ भी इसी से ही लिखें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मकता होगी वो समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही होगी तो वो भी समाप्त होगी। वास्तु दोष भी ये स्वास्तिक जो है सुधार सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित कोई परेशानी आपको सता रही है तो भी आप ये स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष भी समाप्त होगा। और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी, अपने YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा YouTube चैनल, बेल आइकन प्रेस करके, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हमारी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।